हेलो, देखिए भाई, आज मैं यहाँ ग्राम भद्रस में आया हूँ, जो कि यहाँ पर पड़ता है घाटमपुर से आगे पड़ता है भद्रस गांव। यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है। चलो आपको दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या खासियत है। देखिए भाई, ये है यहाँ के पुजारी। देखिए, ये है शंकर जी का मंदिर, जो कि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। देखिए, शंकर जी का मंदिर है और ये पुजारी जी बैठे हैं। देखिए किस तरह धूल लपेटे हुए, पूरे शंकर जी बने हुए हैं। देखिए आप, एक है खत्म हुई है। ये मंदिर है शंकर जी का। यहाँ पे बरगद वगैरह ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं ये लोग। जो यहाँ के पुजारी हैं, पेड़ पौधे जो भी यहाँ लगे हुए हैं, सब कहीं दीपक जलाते हैं। देखिए, यहाँ का मेन गेट बना हुआ है, जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर आसपास। देखिए, आपको सब कुछ दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए, ये तालाब भी बना है मंदिर के जस्ट बगल पे। तालाब भी बना है। और देखिए, ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर बताया है कि बहुत ही काफ़ी पुराना पेड़ है ये बरगद का। देखिए आप किस तरह पेड़ है, ये बहुत ही मोटा पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है। बता रहे हैं कम से कम 150 साल पुराना पेड़ है। देखिए, जे यहाँ पर बाबा स्नान ग्रहण करते हैं। ये देखिए, ये उनका डॉगी है, काफ़ी खतरनाक बताते हैं लोग कि बहुत खतरनाक डॉगी है ये। ये उनके चेला है जो आराम कर रहे हैं। ये यहाँ पर वेदी बनी हुई है हवन के लिए। ये हैंड पंप लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था भी यहाँ ठीक है। देखते रहिए, आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे हम, और जो भी यहाँ पे अच्छी जगह है वो भी दिखाएंगे। यहाँ के पंडा है जो कि धूल लपेटे हुए हैं भगवत शंकर जी की, और दिन भर में कई चिलम तो गांजा पीते हैं ये। देखिए किस तरह गांजा पीते हैं। ये देखिए, एक फूंक मारा चल दिया। काफ़ी अच्छी जगह है, मंदिर के आसपास बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिससे छाया दिन भर रहती है।
ये देखिए शिवशंकर, जय शिवशंकर। ये ब्रह्मदेव का स्थान है। ये देखिए ऊपर का पैकर्मा बना हुआ है शंकर जी का। ये महाराज की यहाँ कुटिया है, यहाँ पर आराम करते हैं। काफी अच्छे पेड़ पौधे हैं, यहाँ का वातावरण भी ठीक है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ का। ये देखिए बरगद का पेड़ है, काफ़ी बहुत पुराना पेड़ है जो कि इसने कई शाखाएं फोड़ दी हैं। देखिए किस तरह 150-200 साल पुराना पेड़ बता रहे हैं यहाँ के लोग। बहुत ही अच्छा पेड़ है। ये यहीं पर बगल पे तालाब भी है। देखिए तालाब का नज़ारा, देखिए पक्षी हैं।